गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं मोनिका जोशी आम इंस्टीट्यूट की ऑनलाइन क्लास में आप सभी बच्चों का स्वागत करती हूँ। मैंने अपनी पिछली जो कक्षाएं हैं उनमें अपना कवि चल रहा था सूरदास जी। सूरदास जी के पदों के बारे में ही हम चर्चा कर रहे थे कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए। कक्षा 10 के विद्यार्थी में जो सूरदास जी के पद हैं, दो पद तो अपन ने पढ़ लिए थे, उसी क्रम में अपन तीसरा पद चलेंगे। अपनी जो किताब है सितिज से, उससे ये लिया गया है। हमेशा प्रसंग में ये चीज पूछी जाती है कि ये किससे लिया गया है, तो अपनी ये किताब है सितिज, उस किताब से ये लिया गया है सूरदास जी के पद। संदेशनी मधुबन खूब भरे, यहाँ गोपियां और उद्धव दोनों के बीच वार्तालाप होता है। उसमें गोपियां उद्धव से ये कहती है कि हे उद्धव, हमने इतने ज्यादा पत्र भेजे कि हमें ऐसा लगता है कि जैसे मथुरा के सारे जो कूप का अर्थ होता है कुआ, कूप का अर्थ होता है कुआ, और मधुबन का अर्थ मथुरा के, कि हमारे संदेशों से मथुरा के सारे कुएं भर गए हो। अपने तो पठवत नहीं मोहन, कहने का तात्पर्य हमारे द्वारा भेजे गए पत्रों को वह अच्छी भली प्रकार से पढ़ते भी नहीं है और अपने द्वारा भेजते भी नहीं है। हमरे फिरी ने फिरे, हमारे पत्रों को तो वो देखते ही नहीं है। जितने का मतलब होता है जितने भी, पृथ्वी का मतलब होता है पत्रों को ले जाने वाला या पत्र भेजने वाले, राहगीर भी बोल सकते हैं। राहगीर कि जितने भी राहगीर पत्र लेकर गए वह मथुरा में ही, मधुवन का शब्द का अर्थ मथुरा, बहुरी का मतलब बहुत समय से, सोद का मतलब लौट कर नहीं आए, वह वहीं पर रह गए लौट कर नहीं आए। के वे श्याम कि हमें तो ऐसा लगता है कि हो सकता है श्री कृष्ण ने उन्हें सिखा कर अपने वश में, प्रमोदे का अर्थ होता है वश में करना, अपने वश में कर लिया है, या ऐसा लगता है कि वह कुछ बीच में ही मर गए हैं, कि या तो उन्होंने श्याम ने अर्थात कृष्ण ने उनको सिखा कर अपने वश में कर लिया है, या वह कुछ बीच में ही मर गए हैं। आगे के कर्म में गोपियां उद्धव से कहती है कि हमें लगता है कि वहां मथुरा के जो कागज हैं, कागज का अर्थ होता है कागज, कि मथुरा के जो कागज हैं, गरे का मतलब गीले हो गए हैं, मेघ का मतलब वर्षा से, हमें लगता है कि मथुरा के सारे जो कागज हैं वो गीले हो गए हैं। मसी खूटी, मसी का मतलब जो दवाद है, वो दवाद शाही की जो दवाद है वो भी समाप्त हो गई है। दव लागी जरे, दव का मतलब होता है आग लग गई है, जो कलम बनाने वाले वृक्ष हैं उन सबको आग लग गई है। सेवक सुर लिखन, हमें लगता है कि जो पत्र लिखने वाला सेवक है वह अंधा हो गया है। पलक कपाट अरे, अर्थात कृष्ण हमारी तरफ तो बिल्कुल ध्यान ही नहीं देते हैं। इस प्रकार से सूरदास जी की कविता में सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां उद्धव से उनकी शिकायत करते हुए कहती है कि कृष्ण हमारे लिए कोई पत्र नहीं लिखते हैं। इनका सप्रसंग व्याख्या करनी है कि सूरदास जी कहते हैं कि हे उद्धव, श्री कृष्ण जो है वो हमारे संदेशों पर ध्यान नहीं देते हैं, और ऐसा लगता है कि जैसे सारे मथुरा के कुएं जो हैं वह संदेशों से भर गए हैं। हम यहाँ से किसी भी राहगीर को भेजते हैं तो वह राहगीर वापस लौट कर नहीं आता है, हमें लगता है श्री कृष्ण ने उन्हें अपने वश में कर लिया है, या वे कुछ लोग जो है वो बीच में ही मर गए हैं। आगे की कर्म वो कहती है कि हमें लगता है कि मथुरा के जो कागज हैं वो सारे बारिश से, वर्षा से गीले हो गए हैं, और जो शाही है वो समाप्त हो गई है, और जो लिखने वाली कलम है उसके पेड़ सारे जल गए हैं, और जो पत्र लिखने वाला सेवक है लगता है वह तो अंधा ही हो गया है, और श्री कृष्ण तो हमारी तरफ बिल्कुल ध्यान ही नहीं देते हैं। इसमें क्वेश्चन भी बन जाता है कि सूरदास जी की गोपियां जो हैं वह पत्र न लिखने का क्या क्या कारण बताती है, या यह देखकर संदेशन मधुवन कूप भरे इसका क्या तात्पर्य है, ऐसे भी पूछ
सकते हैं। ओके थैंक यू बच्चों, आगे के कर्म में हम उसी सूरदास जी के जो दो तीन पद हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। और भी कोई आपको समस्या हो तो आप पूछ सकते हो। थैंक यू।